लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू अदर एक्साइटिंग वीडियो। आज की वीडियो रहने वाली है प्लेन के बारे में, यानी कि एविएटर के बारे में। हर साइट पे आपको देखने को मिल जाती है गेम। आजकल लोग पागल हो रखे हैं इस गेम के पीछे, बड़ा ही मजा आता है। प्लेन उड़ने से पहले आपको पकड़ लेना होता है। तो आज इस बारे में बात करेंगे कि एविएटर कैसे खेलें कि वो आपके लिए बड़ी ही बेनिफिशियल रहे। तो ये उन्हीं के लिए वीडियो रहने वाली है, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला पॉइंट जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो ये रखना है कि कभी भी एक ही बारे में आपको अपने सारे डिपॉजिट जो है, यानी कि जो सारा अमाउंट है, वो उड़ा नहीं देना, लगा नहीं देना। क्या करना है, लेट से आपने 1000 का अमाउंट डाल रखा है अपने अकाउंट में, तो आपने क्या करना है, 50 के बैचेस में खेलना है या फिर 100 के बैचेस में खेलना है। यानी कि अगर आप 50 के बैच में खेलेंगे तो आपको यहाँ पे जो टर्न्स मिलेगी, यानी कि जो प्ले मिलेगा, वो मिलेगा 20 बारी का, मतलब कि 20 टाइम्स आप उस गेम को खेल सकेंगे बार बार, ठीक है। और अगर 50 के बैच में नहीं खेल पा रहे तो आप 100 के बैच में खेल सकते हो, यहाँ पे आपको मिलेंगे 10 प्लेऑफ्स, यानी कि 10 बार आप उस गेम को खेल सकेंगे और आनंद उठा सकेंगे। अब हम ये करेंगे क्यों, 20 बार खेलोगे या 10 बार खेलोगे उसे उसी अमाउंट के साथ, तो आपकी जो विनिंग की प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ेगी वहां पे। तो आपको ये सबसे पहला पॉइंट जरूर ध्यान में रखना है। दूसरी जो ट्रिक है वो यहाँ पे ये रहती है, बहुत सारे लोगों से मैंने सुन रखी है कि आपको कैश आउट करना पड़ता है बिफोर 2.2x हिट करने से पहले, यानी कि 2.2x जब आने वाला है उससे पहले आपको कैश आउट कर लेना है, रवाना हो जाना है, मतलब प्लेन को खींच लेना है। अभी आपको करना कैसे, इतनी कॉमन सेंस आपको जरूर रखनी है कि आप अपनी स्क्रीन पे अपनी नजरें गड़ाए रखें पूरे टाइम। जैसे ही वो 2.2x हिट करने वाला हो, आपको उसी टाइम जो अमाउंट है 50 के बैच में किया है, 100 के बैच में करा है, जितने के भी अमाउंट में आपने एक्स वाई जेड जो भी अमाउंट लगा रखा है, उसको आपको 2.2x से ऊपर नहीं जाने देना, उससे बिफोर ही, यानी कि उससे पहले ही आपको वो कैश आउट कर लेना है। तो आपकी यहाँ पे विनिंग स्ट्रीक जरूर बनी रहेगी, ऐसा मैंने काफी सारे लोगों से देख रखा और सुन भी रखा है। नाउ द लास्ट पॉइंट, यानी कि थर्ड पॉइंट की बात करें, ये भी बड़ा क्रूशियल पॉइंट आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए। थर्ड पॉइंट इज आपको करना क्या है, जो पहले के 10 प्लेज आप करेंगे, यानी कि आपके टॉप, यानी कि आपके 10 पहले प्ले, 10 फर्स्ट प्लेज जो आप खेलेंगे उसमें आपको करना क्या है, जो अमाउंट है वो सेम रखा है। यानी कि अगर आप 100 के बैच में खेलें, सारे 100 के बैच में ही खेल लें। ये नहीं कि आपने ज्यादा लालच करा और आपने 100 को 200 के बैच में शुरू कर दिया, नहीं, आपको अपने पहले 10 बार के प्ले ऑफ्स को उसी बैच पे रखना है जो आपने फर्स्ट प्ले अपना करा था, उन्हीं के साथ चलना है 10 बार, तो वहां पे भी जो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो काफी हद तक बढ़ जाती है। इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये थी गाइस वीडियो ऑन एविएटर टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें, ज्यादा शेयर करें। साथ ही में आपको इससे बेनिफिट हुआ है और जिनको बेनिफिट हुआ है, कितने प्रकार का हुआ है, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड लक।